वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। और आज जो हमारा ब्लॉगिंग टूर है वो है दरभंगा चंदन पट्टी का। बने रहे मेरे वीडियो में, दिखाते हैं। अभी हम हयाघाट से चलकर हयाघाट में अकराहा ब्रिज है वहां पर आ चुके हैं। अकराहा ब्रिज पे पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं आप। ये अकराहा ब्रिज जो है हयाघाट में, उसके नीचे नदी है, सामने रेलवे लाइन का पुल है। दरभंगा और समस्तीपुर रेलखंड का रेल लाइन है। आइए अब चलते हैं दरभंगा चंदन पट्टी अशोक पेपर मिल। और ये जगह देखकर आप लोग तो समझ ही गए होंगे, ये जगह जो है ये किसी की मोहताज नहीं है पहचान की। ये वही जगह है अकराहा का अशोक पेपर मिल। सामने अशोक पेपर मिल था जो कई वर्षों पहले जो है कुछ कारणवश बंद हो चुका है। और अभी ये जो ज़मीन है इसे खाली पड़ता पड़ा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले बहुत सारे लोगों के मुंह से आप लोगों ने सुना होगा कि ये सरकार ने ऐलान किया कि एम्स बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, लेकिन फिलहाल जो अभी तक कुछ भी नहीं बना है। देख सकते हैं आप, ये अशोक पेपर मिल का ग्राउंड है पूरा। ये अशोक पेपर मिल का जो डेरा है मजदूर लोगों का, जो मजदूर बाहर से आते थे काम करने के लिए यहाँ, तो वो डेली जो है सामने पेपर मिल था और उसी के बगल में उन लोगों का डेरा था, उसी में रहने का था। क्योंकि दोस्तों घर अनजान कर नहीं सकते थे, इसीलिए इन लोगों को यहाँ एक घर बनाकर मिला हुआ था कि आप आए काम करके खा के आराम करें। मेरे पीछे देखिए आप, ये जो सामने ये फैक्ट्री है अशोक पेपर मिल का, जो कई वर्षों पहले बंद हो गया और कई मजदूर जो है बेघर बेसहारा हो गए हैं। और आइए अब हम चलते हैं पड़ोस पट्टी की तरफ। ये हम बस कुछ ही देर में जो है चंदन पट्टी चौक पहुंचने वाले हैं। और ये चंदन पट्टी गांव का बारगाह हुसैनी इमाम बाड़ा है, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। और ये चंदन पट्टी चौक पर छोटी मस्जिद है, ठीक चंदन पट्टी चौक के जस्ट बगल में ही। सामने है चौक, दिखाते हैं आपको। यही है चंदन पट्टी चौक, देखिए काफी हरा भरा चौक है ये। अभी दोपहर का टाइम है, काफी धूप है, इसलिए लोग नहीं निकल रहे घर से। 5-6 बजे के बाद जो है इस चौक की रौनक। पहले जो हमने दिखाया वो मेन रोड वाला चौक था, और ये अंदर में भी चौक है। यहाँ से कुछ सामान लेना है आपको, चौक है बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच चंदन पट्टी वाला। जो सामान लेना था वो तो यहाँ पर मिला नहीं, अब हम आगे चौक पर देखते हैं फिर। और ये चंदन पट्टी का जो मेन रोड वाला चौक है वही है। और हमको यहाँ से लेना था एक बिरला व्हाइट सीमेंट राजा हार्डवेयर एंड टेंट हाउस से, और यही है राजा भाई, इन्हीं के दुकान से अभी हम लिए हैं चंदन पट्टी चौक पर। काफ़ी सस्ता लगा है हयाघाट मार्केट से, इसीलिए हम यहाँ तक पहुँच गए। देखिए यही है राजा हार्डवेयर एंड एवं हमने राजा भाई से ले लिया है बिरला व्हाइट सीमेंट। और हम आ गए हैं अभी चंदन पट्टी चौक पर, जो पेट्रोल पंप है अभी हम लेंगे अपनी गाड़ी में। बने रहे मेरे वीडियो में, दिखाते हैं। अपनी गाड़ी में तेल ले लिया है, तेल लेते समय पंप वाले भाई साहब ने मना किया था कि मोबाइल अभी बंद कर लीजिए, इसलिए हम मोबाइल बंद कर लिए थे। पेट्रोल पंप है ये चंदन पट्टी का। और अभी हम पहुंच चुके हैं अशोक पेपर मिल मोड़ पर, जो हयाघाट के लिए रास्ता जाएगा, बहरी के लिए जाएगा, दरभंगा जाएगा, दिखाते हैं आपको। बने रहने अशोक पेपर मिल का मोड़ है, यहीं से रूट सीधे हयाघाट जाएगा। ये सामने सिधौली होते हुए बहरी जाएगा और ये बलहा का रूट है। और अभी हम जो है
पेपर में ले लिया है। काफ़ी देखिए नज़ारा काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। घोड़ापट्टी मझोलिया का ये रास्ता, हम पहुँच चुके हैं अभी देवीपुर में। देवीपुर गाड़ी मैं इसलिए धीरे धीरे चला रहा हूँ क्योंकि सामने है प्रशासन की, और प्रशासन की गाड़ी से मैं इसलिए डर रहा हूँ क्योंकि मैंने हेलमेट नहीं लगा रखा है। इस हेलमेट की वजह से डर रहा हूँ, बाकी कहीं चलाते मेरी सेफ्टी है, मेरे लिए बेहतर है, लेकिन हम लोग पता नहीं क्यों पुलिस से डरते हैं। और प्रशासन की और पुलिस की जो गाड़ी है वो मेरे पीछे पीछे आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हायाघाट की पुलिस मुझे ढूंढ रही है कि बता तेरा हेलमेट कहाँ है। तो पेपर मिल थाना का चेक पोस्ट है, अशोक पेपर मिल थाना चेक पोस्ट। और ये देखिए हायाघाट अपना बीच कट चढ़ने के बाद हम अकराहा दक्षिणी पहुंच गए हैं। ये अकराहा दक्षिणी गांव है और ये दक्षिणी अकराहा है, और सामने जाम लगा हुआ है। जाम छूटने के बाद ही हम जाएंगे। और देखिए इलमाइट ढाला से अकराहा तक जो है ब्रिज बन रहा है, उसका भी काम जो है वो काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे प्लेन में। और देखिए ये भी ब्रिज का जो काम है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, दिन रात काम हो रहा है। ताकि बाढ़ आने से पहले पहले जो है तैयार हो जाए ये ब्रिज। अभी आसमान को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं जहाज़ में सफ़र कर रहा हूँ।